तो महंत नरेंद्र गिरी की जुड़ी से मौत, बड़ी खबर आपको बताया। सीबीआई ने आनंद गिरी को देहरादून लेकर रवाना हो चुकी है। देहरादून में आनंद गिरी से पूछताछ होगी। आनंद गिरी को हरिद्वार में सील आश्रम भी ले जा सकती है सीबीआई। बड़ी खबर आपको बता रहे, कथित वीडियो की बरामदगी के लिए आश्रम लेकर जा सकती है सीबीआई। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को सीबीआई ने अभी पुलिस लाइन में ही रखा है। दोनों आरोपियों से पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई आरोपी आनंद गिरी को लेकर देहरादून रवाना हुई है। देहरादून में आनंद गिरी से पूछताछ होगी। आनंद गिरी को हरिद्वार में सील आश्रम भी ले जा सकती है सीबीआई। कथित वीडियो की बरामदगी के लिए आश्रम लेकर जा सकती है। आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को सीबीआई ने अभी पुलिस लाइन में ही रखा है। दोनों आरोपियों से पुलिस लाइन में ही पूछताछ हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, कितने बजे तक सीबीआई पहुंच सकती है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? ये देखिए, थोड़ी देर में सीबीआई की टीम आनंद गिरी को लेकर निकली है। थोड़ी देर में वो देहरादून होंगे, फिर वहां से हरिद्वार जाएंगे। तो जिस तरह से कथित सीडी की बात सामने आ रही थी और सीडी की बरामदगी को लेकर ही, बरामदगी के लिए ही आनंद गिरी को यहां से ले जाया गया है। वहां पर जो उनका सील आश्रम है वहां ले जाया जाएगा। अगर कोई सीडी है, किसी सीडी की बात होगी तो आनंद गिरी और उनके जो करीबी लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। उनके लैपटॉप और मोबाइल को पहले ही सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। और अगर कोई उनके पास उपकरण मिलता है, कोई कंप्यूटर मिलता है, कोई ऐसी डिवाइस मिलती है तो सीबीआई उसकी भी जांच करेगी। तो ले करके रवाना हो चुके हैं और उसकी जांच होगी। साथ ही उस सूत्रधार को भी तलाशा जाएगा जिसके जरिए आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे, जिसके माध्यम से कहा गया कि नरेंद्र गिरी को धमकी दी गई। तो सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है और तमाम उम्मीद है कि उसको वहां पर सबूत मिल जाएंगे, वो सीडी मिल जाएगी और जो इस पूरे केस की कड़ी से कड़ी को जोड़ेगी और तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि सुसाइड नोट जो था उसके बाद ये तथ्य। जी मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो सीबीआई आरोपी आनंद गिरी को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही हरिद्वार देहरादून पहुंचने वाली है। और अगली खबर आपको इसी से जुड़ी बता दें, नरेंद्र गिरी के मौत के मामले से जुड़ी खबर है, जहां पर उत्तराधिकारी को लेकर अब बात क्लियर हो चुकी है। हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी बात की है। बलवीर गिरी ही अब नए महंत होंगे। रविंद्रपुरी महाराज जी, क्या अब ये तय हो गया है कि बलवीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे और षोडशी के दिन यानी 5 अक्टूबर को उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा? देखिए, कल हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, कल शाम को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें यह हुआ कि जो यहाँ के श्री महंत हमारे जो यहाँ पे उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि बलबीर गिरी को ही बनाया जाए और उसकी सूचना में अभी हरिद्वार जा रहा हूँ मैं। हरिद्वार में जो हमारे श्री महंत और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हरिद्वार में रहते हैं, उनसे मेरी कल वार्ता होगी और कल जो है हरिद्वार में हम घोषणा करेंगे कि बलबीर गिरी को ही जो है यहाँ का महंत नियुक्त किया जाएगा। घोषणा होगी लेकिन एक तरह से तय हो चुका है, पट्टाभिषेक की तैयारी हो रही है, 5 अक्टूबर को ही पट्टाभिषेक होना है। महाराज जी, क्या प्रक्रिया होती है पूरी? उसी दिन षोडशी भी होनी है, पट्टाभिषेक भी होना है, तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम होगा? आपने ठीक कहा, तय हो चुका है, तकरीबन तय हो चुका है। और जो भी जो भंडारा होगा, 5 को भंडारा होगा, उसी में जो षोडशी है, षोडशी के दिन ही चादर विधि होती है, ये परंपरा से चलता आ रहा है। और जो 5 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पट्टाभिषेक होगा। चादर विधि चादर विधि होती है कि जब भी हम किसी को कहीं का महंत मनाते हैं, कोई भी स्थान का महंत बनाया जाता है, वहाँ की जनता, हमारा अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा होते हैं, उसको चादर उड़ाते, फूलों की माला पहनाते हैं। उसका अर्थ ये है कि समाज ने इसको जो है यहाँ का महंत मान लिया है। पट्टाभिषेक में क्या होता है महाराज? नहीं, पट्टाभिषेक नहीं, चादर विधि। पट्टाभिषेक जो है वो मंडलेश्वर के लिए होता है, चादर विधि जो महंत आयु की चादर विधि होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मान लिया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, वो लेटर जो सुसाइड लेटर था, अब आप लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो सही था? देखिए, ये स्वीकार हमने नहीं किया है, ना हमें ऐसी बात कहनी है, परंतु जो देखा गया है, सबसे पहले महाराज श्री ने वसीयत लिखी है, वसीयत के बाद उन्होंने जो है यहाँ जो भी आत्महत्या हुई है उसमें भी सुसाइड नोट लिखा गया है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया है, तो इन सबको देखते हुए यही लग रहा है कि ये आत्महत्या ही है। सुसाइड नोट एक तरह से सही है, और क्या वसीयत भी आप लोगों ने देख ली? देखिए, जो सुसाइड नोट वगैरह ये
जांच का विषय है, इसके लिए जांच हो रही है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वीडियो भी है आपने बताया कि वीडियो हमने देखा है, एक वीडियो बनाया गया जो हमारे बच्चे विद्यार्थी यहाँ उन्होंने वीडियो देखा है। महाराज श्री ने जो है सुसाइड से पहले एक वीडियो में ये कहा है कि मेरी हत्या, जो भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है वही उन्होंने वीडियो में कहा है।